Hi guys, okay, so this is day number 8 of my healthy lifestyle, healthy living. Hi guys. Okay, so maine abhi day 7 ka intro kiya, story time tha, to wo shoot kiya hai and same t-shirt mein kiya hai because kya farak padta hai, theek hai yaar, aap log apne hi ho. So basically abhi baj rahe hain dopahar ke 2 and आज भी मेरा सुबह इतना ज्यादा टाइट और इतना ज्यादा ऐसा जैम पैक्ड गया है कि मैं क्या बताऊं. मेरे ना ये 2-3 दिन इतने भयंकर गए हैं. अच्छा. कि मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पा रही थी, बट स्टिल आई जस्ट वांट कि मैं थोड़ा-थोड़ा गैदर करके आपको देती रहूं रोज का व्लॉग, बिकॉज़ यार आई जस्ट वांट टू बी ऑन ट्रैक, मतलब ऐसा कंसिस्टेंट रहना है वीडियोस को लेकर भी, बिकॉज डाइट मेरी ठीक ठाक चल रही है, ऐसा नहीं चल रही, बट मुझे मेजर ये है कि मेरी वीडियोस भी रोज आती रहे, बिकॉज यू नो आप लोग भी वेट कर रहे होते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब रोज वीडियो आती है एंड आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ती हूँ तो बहुत मजा आता है. Okay. And फिलहाल बहुत गर्मी है, आउट ऑफ नो वेयर मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है बिकॉज बहुत गर्मी लग रही है. तो फटाफट मैं बता देती हूँ कि आज क्या किया मैंने. तो मैं सुबह उठी थी 6:30 बजे. ओके, आज मैं कल एक्चुअली लेट सोई थी, मतलब डे 7 पे मैंने बताया होगा कि मैं रात को 3 बजे सोई थी बिकॉज मुझे नींद नहीं आ रही थी, बट पापा जी ने मुझे उठा दिया सुबह 6:30 बजे क्योंकि उनको ऑफिस जाना था. तो ऑफिस में वहाँ पे हमें कुछ काम था तो मेरे को भी साथ जाना था उनके, तो पापा ने कहा चलो बेटा चलो उठो चलते हैं. वैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि तू चल पाएगी, तो मैंने कहा था हाँ चलो, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई थी कि मुझे जाना है आपके साथ, मतलब मैं चलूंगी काम, जो भी काम था उसके लिए. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उन्होंने कहा चल फिर चलते हैं. एंड मैं आज ज़ारा को भी साथ ले गई थी बिकॉज यू नो आई जस्ट फील कि ज़ारा का भी बाहर ज्यादा निकली नहीं है, वो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, लाइक 6 महीने की तो हो ही चुकी है, तो मुझे ये था कि मुझे उसको बाहर निकालना है अब. तो मैं अभी एक दो दिन से ऐसा उसको नीचे वॉक के लिए भी ले जा रही हूँ, बट ठीक है. तो मैंने यही सोचा कि उसको भी साथ ले जाते हैं. तो ज़ारा ने भी खूब मस्ती करी आज पापा के वहाँ पे, वो इतना थक कर आई थी, एक्चुअली हमें आते हुए बहुत लेट हो गया था. तो सुबह मैं बादाम खा गई थी सुबह, क्योंकि पापा ने भिगोए होते अपने लिए, तो उसमें से मैंने 5 बादाम ले लिए थे. एंड घर आते आते लेट हो गया अगेन एंड मेरा ब्रेकफास्ट आज भी मिस हो गया, डे 7 पे भी मिस हो गया था. अगर आपने कल वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा. तो मेरा आज भी घर आते आते काफी मुझे लेट ही हो गया था. एंड देन मैंने वही अपना प्रोटीन शेक पी लिया था थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं कितने बजे आई थी, 10:30 बजे आई थी, हाँ 10 बजे के अराउंड घर वापस आई थी. तो 11 बजे मैंने अपना प्रोटीन शेक पी लिया था. एंड अब बारी है लंच की, लंच में आज बनी है इडली सांभर. ओके, तो आज एक्चुअली जब मैं वापस आई थी ना तो मैं तभी लग गई थी कि मम्मा का थोड़ा हेल्प करवा देती हूँ, एंड हमने मिलकर ऐसा इडली सांभर ही बना लिया था. ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इडली सांभर मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ. इनफैक्ट आई हैव अ होल वीडियो ऑन इडली सांभर की रेसिपी, इफ यू वॉन्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हो. वो 1 साल पुरानी वीडियो है तो उसमें आपको काफी वियर्ड लगूंगी मैं, मेरे बोलने का तरीका और ये सब, बट ठीक है देख सकते हो, रेसिपी काफी यम बनती है वो वाली. और अब चलते हैं इडली सांभर लेकर आते हैं बिकॉज अब मुझसे गर्मी टॉलरेट नहीं हो रही है, बहुत भयंकर गर्मी है. मुझे नहीं पता आप जहाँ रहते हो वहाँ गर्मियाँ हो रही है नहीं हो रही, बट गुड़गांव और दिल्ली में आग बरस रही है, पता नहीं बारिश कब आएगी, बट अभी के लिए इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी गर्मी और इतना गंदा वेदर है. तो अभी चलते हैं इडली सांभर खाते हैं मस्त, उसके बाद मुझे वीडियो भी एडिट करनी है डे 7 वाली. तो चलते हैं फटाफट खा लेते हैं अपना, मतलब धीरे धीरे खाएंगे बट फिर भी थोड़ा जल्दी खाते हैं. ये क्या बात करता है यार, मुझे भी समझ नहीं आया मैं बोली क्या हूँ, तो बस चल लेते हैं. दोस्तों तो अभी हम बनाने वाले हैं सोया पुलाव, नहीं एक्चुअली वेजिटेबल पुलाव. तो मैंने यहाँ पे सारी वेजिटेबल चॉप करके रख ली है, आलू प्याज टमाटर कैप्सिकम, ये है मटर और सोयाबीन, इसको पानी में रख दिया है. ये रहे हमारे चावल, ये धो के मैंने पानी में भिगो के रख दिए हैं, 10 मिनट के लिए साइड रख देंगे. और तब तक मैं कुकर में ये सारी सब्जियों को सौते कर लूँगी अच्छे से, एंड 3-4 मिनट के लिए आराम से सौते करने दूँगी. एंड फिर उसके बाद मैं अपने चावल डाल दूँगी, नमक मिर्च हल्दी नहीं डालूंगी, नमक और मिर्च डालूंगी और थोड़ा धनिया पाउडर एंड हाँ यही है. और फिर उसके बाद उसको सीटी दे देंगे. चावल बनाना आपको आता ही होगा, इसके आगे मैं नहीं दिखाऊंगी बिकॉज मेरे कैमरा की बैटरी बहुत ब्लिंक कर रही है, मतलब लो हो गई है. अगर हो पाया तो दिखा दूंगी, नहीं तो आप समझ गए ना कि कैसे बनाने पुलाव. ऑब्वियसली आपको आते होंगे बट यू नो मैं वैसे ही बता रही थी. तो चलो अब शुरू करते हैं. ओ माय गॉड, हालत देख लो मेरी, मेरे बाल में कंघी तक नहीं करा है, रुक जाओ 2 मिनट.
ओके गाइस, सो अभी है डिनर की बारी एंड डिनर में आज मैंने बनाया है वेजिटेबल पुलाव, मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इसका दूसरा तरीका भी होता है बनाने का कि आप पहले चावल को बॉईल कर सकते हो एंड सब्जियों को अलग से सौते करके बॉइल्ड राइस इसमें डाल सकते हो, तो वो थोड़ा फ्राइड राइस वाला भी बन सकता है, जैसे थोड़ा बीन्स वगैरह डालकर जैसे भी मन करे। मेरा अब मैंने आज कुकर में ही बना लिया, सब बॉइल करके नहीं बनाया अलग से। एंड ऑल्सो क्या बताना था मैं भूल गई, अरे मैं कुछ बताने वाली थी यार आप लोगों को। वाह क्या सीन है। हाँ याद आ गया। ओके सो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं चावल ना छोटी प्लेट में लूँ। उसका रीजन ये है कि ये ना हमारे मेरे मन में तो होता है एंड आई एम श्योर बहुत लोगों के मन में होता होगा कि जब तक वो प्लेट फुल भरी ना हो ना तब तक फील नहीं आती, ऐसा लगता है कि अरे हमने तो बहुत कम खाया है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं छोटी जो क्वार्टर प्लेट्स होती है उसी में ही ले लूँ। एंड ये जितने राइस है ना, एक कटोरी राइस है बट इतने ज्यादा लग रहे हैं क्वांटिटी में, तो मुझे थोड़ा ये रहता है कि चलो ठीक है मैंने भर के खाया है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिफिल नहीं करती हूँ, एक कटोरी लेके बस पूरा भर के दही ले लेती हूँ। अगर दोपहर टाइम होता तो दही ले लेती क्योंकि रात को बोलते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए ज्यादा। बस मैंने अचार ले लिया मतलब आम का थोड़ा सा, नहीं तो दोपहर को तो इसके साथ दही बढ़िया लगता है। अभी के लिए हम यही करने वाले हैं एंड आज का व्लॉग, अच्छा मुझे एक और आपसे बात करनी थी, पहले बैठ जाती हूँ। तो मुझे आपको ये बताना था कि आज का व्लॉग भी शायद छोटा होगा थोड़ा सा, बिकॉज ये जो दो तीन दिन थे ना ये बहुत ज्यादा हेक्टिक थे मेरे लिए। मैंने ज्यादा व्लॉग में दिखाया नहीं बट बहुत कुछ चल रहा था घर में भी, तो इस वजह से थोड़ा ऐसा दिखा नहीं पा रही थी एंड ज्यादा आ नहीं पा रही थी, व्लॉग नहीं कर पा रही थी। बट अरे ज़ारा चल खड़े होकर ही करना पड़ेगा, बैठ जाओ ना तो उसको लगता है कि ये क्यों बैठ गई है। हाँ सो मैंने ना डे नंबर 7 की वीडियो में बहुत सारे ऐसा वो रोस्ट करने वाले मतलब मजाकिया से वो डाले थे वीडियो, छोटे छोटे क्लिप्स डाले थे एंड यूजुअली भी मैं डालती हूँ मतलब, बट मैं दो दिन डालती थी, मैं एक वीडियो में बहुत सारे ऐसा छोटे क्लिप्स नहीं डालती, GIF या GIF जो बोलते हैं उन्हें। ज़ारा मैंने स्टूडियो में डाला था एंड बहुत लोगों ने एक्चुअली बोला भी था कि आप गुंजन शाउट को देखते हो क्या, तो उनकी वीडियो डेफिनेटली मैं उनकी वीडियो देखती हूँ एंड मैं उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर हुई थी एडिटिंग करते टाइम, क्योंकि मैं अभी यही सोचती थी कि दो तीन वीडियोज ऐसे छोटी क्लिप डालोगे तो सही रहता है, इतनी सारी डालो तो बहुत ज्यादा ऐसा हॉशपॉश हो जाएगा। बट मैंने जब ऐसा एडिटिंग करी ना डे 7 वाली वीडियो में, मुझे खुद को भी इतना अच्छा लग रहा था एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दैट वीडियो। और अब ज़ारा ने अपनी चूचू वाली बॉल ले लिया, वो चूचू कर रही है। ज़ारा व्हाट इज दिस बिहेवियर, दे दो इसको, देना भी नहीं होता है, भागेगी अब। दे दो। हाँ सो वो बात थी कि हाँ मैंने उनकी भी देखी थी, उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर हुई थी। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं वीडियोस में ना टॉक सेशन भी ऐड करूँ, एक सेकंड इसकी बॉल ले लूँ पहले। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं टॉक सेशन भी ऐड करूँ जैसे मैं पहले किया करती थी, क्योंकि अभी ना क्या हो रहा है मैं बुक को रीड नहीं कर रही हूँ तो बुक से रिलेटेड कुछ मैं नहीं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी आपको, लेकिन आप लोग अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो नीचे, अगर मेरे को पता होगा आंसर तो वो मैं डिस्कस कर सकती हूँ वीडियोज में। और अभी बहुत चूचू कर रही है, आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर नहीं समझे तो मैं कल दोबारा बता दूंगी। ज़ारा की बच्ची तू ना इधर आ जा। चलो ये नहीं करने देगी अब मुझे व्लॉग, मुझे इसे लेके घूमने जाना पड़ेगा छत पे। तो मैं आराम से पहले डिनर करती हूँ एंड आपसे मिलती हूँ कल वीडियो में। एंड कल वाला वीडियो आई विल ट्राई कि मैं बहुत सारा व्लॉग करूँ और पूरा ऐसे दिल से व्लॉग करूँ। एंड आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया अभी तक, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सिर्फ चैनल पे आते हैं वीडियोस देखते हैं रेगुलर और भाग जाते हैं। सब्सक्राइब भी करना है, नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसके साथ घंटी है वो भी दबाओ और सब्सक्राइब का बटन भी दबाओ एंड जॉइन माई फैमिली यार। हम लोग मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ के और ये सब, एंड मैं दिल से बोल रही हूँ। एंड आई होप कि आपको भी वीडियोस देख के मजे आते होंगे डेली वीडियोस, तो प्लीज अपने कमेंट्स प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे दे देना मेरे को, बिकॉज बहुत मोटिवेशन मिलती है वो पढ़ के। सो या नाउ आई एम गोना एंड दिस व्लॉग और कल मिलूंगी आप लोगों से, तो तब तक के लिए ध्यान रखो, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू, मिस मी जब तक मैं नई वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, मिस मी एंड आई विल मिस यू टू। एंड नाउ मैंने बहुत 6 मिनट की बकबक कर ली, 6:30 मिनट की, बाय।